हेलो गाइस, वेलकम टू एके आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा है, आज का ट्यूटोरियल नंबर 5 है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज और शॉर्ट कोर्सेज मिलते रहते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे आके मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। जैसे कि आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके पहले वह क्लासेस देखें, तभी आप यहाँ पे आइएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। जल्दी से मैं अपने फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कोड कर लूँगा। जैसे मैं ओपन विथ कोड करूँगा, ये अपने कोड एडिटर के अंदर मेरा खोल के दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा था ट्यूटोरियल नंबर 4। इसके अंदर हमने कुछ देखा था कि ये हमने इसके अंदर एंकर टैग वगैरह लगाए हुए थे। ठीक है, इसके अंदर जल्दी से मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे न्यू फाइल बना सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर ले या फाइल में जाके ये न्यू फाइल यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से करूँगा या कंट्रोल एन दबाएँ, बात एक ही है। ठीक है, मैं एक फ़ाइल न्यू बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखूँगा, मैं एक यहाँ से क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, इसका नाम रखूँगा ट्यूटोरियल नंबर 5.html। ठीक है, ट्यूटोरियल नंबर 5.html और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे अपना कमांड यहाँ पे बॉयलर प्लेट में यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, जल्दी से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा हाउ टू यूज इमेज टैग, या इसको मैं ये ऐसे लिखता हूँ हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेबसाइट। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेबसाइट। तो जल्दी से हमें क्या करना है कि यहाँ मैं बॉडी के टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं हमारे पास एक टैग आता है इमेज नाम से। आई मैं जैसे ही लिखूँगा ना आई, तो ये मेरे को इतने सारे इसकी है मुझे बता रहा है कि भाई ये यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, मैं इतने सारे यूज़ नहीं करूँगा। अब मैं जैसे ही लिखूँगा आई एम, अब इसने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गए। इसके बाद भाई यहाँ पे आया था IMG, जैसे IMG आएगा मैं एंटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या मिला, अब ये देखें, दोबारा देखें, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG, जैसे लिखा ये IMG का एक टैग आ गया, एंटर करूँगा ये मेरे को एक टैग दे देगा। ठीक है, और ये होता है सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि इसका एक पेयर एक ही होता है, ये इसका दूसरा टैग नहीं होता। जैसे अब ये टाइटल है, इसका ये एक ओपनिंग टैग है और इसका ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ ये एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर दो हमें दिए हुए एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्राउजर को। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने SRC का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमारी फाइल पड़ी हुई है, जो भी हमारी पिक्चर है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, उसका पार्ट, चाहे वो इंटरनेट पे है या हमारे लोकल ब्राउज़र में है या हमारी डेस्कटॉप की इसमें PC की हार्ड डिस्क में, जिसमें भी है ना, वो हमारे को उसका यहाँ पे पार्ट हमें देना है, यानी कि उसका जहाँ पे उसकी लोकेशन है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई वो है नहीं पिक्चर, तो मैं अब जल्दी से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ से रेंडमली एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा। पिक्सल पर जाता हूँ, मैं पिक्सल वेबसाइट है, इसको यहाँ से ओपन करके मैं यहाँ से कोई भी एक रेंडमली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे, जब तक ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो या अब मैं क्या करूँगा, अब ये जहाँ पे भी जाएगी ना, सबसे पहले मुझे इसका पाथ कॉपी करना है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके ओपन इन शो इन फोल्डर, तो यहाँ पे डाउनलोड में पड़ी है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, कट कराए और अपने फोल्डर में आऊँगा। अपने फोल्डर में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज आ चुकी है, इसका मैं नाम रख देता हूँ
इमेज नाम ही रख देता हूँ इमेज, ठीक है, बल्कि इसका नाम मैं रखता हूँ वॉल, वॉलपेपर मैंने नाम रख दिया इसका वॉलपेपर, ठीक है। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए कुछ इस तरह की इमेज आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके देखे ये हमारी इमेज आ चुकी है हमारे फोल्डर के अंदर, ठीक है। मेक श्योर के आपकी जो फोल्डर है उसी के अंदर आपकी इमेज ज़्यादा पड़ी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो अब मैं जल्दी से जाके, और आपने एक काम कर लेना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके इसे ऑटो सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये चेक मार्क लगा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेक मार्क, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेना है, ताकि मेरे को बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये सर ये सेव होकर रिजल्ट ही नहीं आ रहा इसका, असल में आपने सेव ही नहीं करा होगा, ठीक है। इसको ऑटो सेव कर ले, ताकि आप जो भी लिखेंगे ना यहाँ पे वो आपका ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोर्स यानी कि हमें अपनी फाइल का यहाँ पे लोकेशन देनी है। अब मैं सबसे पहले नाम लिखता हूँ भाई वॉलपेपर, जैसे ही मैंने W लिखा उसने मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर लिया कि भाई ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ यहाँ पे ऐसी रेंडमली लिख रहा हूँ तो नहीं आ रहा, जैसे मैंने W लिखा तो उसने फ़ौरन पिक कर लिया, ठीक है भाई ये इमेज है भाई, हाँ भाई ये इमेज है, ठीक है, एंटर हो गई, ये है हमारी इमेज, ठीक है। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं, ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 5, इसको मैं ओपन करता हूँ ओपन विद गूगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है, मगर इसका साइज़ अभी बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ, अपने इसमें आ जाए, और इसका पहले आपको मैं ऑल्ट का भी बता दूँ। ऑल्ट का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे मैं अगर मेरे पास स्लो इंटरनेट होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्लो इंटरनेट है, ठीक है, और मेरी फाइल जो है इमेजेस जो हैं वो लोड नहीं हो रही, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र के पास हमारी फाइल लोड नहीं होती है, इमेजेस लोड नहीं होती है, तो उसको भाई ये दिखा दे क्यों रेंडमली टेक्स्ट यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉलपेपर, उसको वॉलपेपर शो करा दे अगर हमारी इमेज जो है वो करप्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल फाइल या उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, और उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है ताकि उसका लोड नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँगा, अब देखना जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दिया और इसका पाथ बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे वॉलपेपर की स्पेलिंग है WALLPAPER, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए हटा दिया, ठीक है, खुद से हटाया मैंने, आपको बता सकूँ। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड करूँगा तो ये बोल रहा है फाइल नोट फाउंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ वॉलपेपर। अब बेसिकली ऑल्ट का मतलब होता है कि हम इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट दिखा सकते हैं, जब फाइल लोड नहीं हो तो भाई ये टेक्स्ट दिखे। अगर मेरी फाइल लोड नहीं हुई है तो मैं लिख देता हूँ नो इमेज, मैं लिख दिया नो इमेज फाउंड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आके मैं रीलोड करूँगा तो ये बोल रहा है नो इमेज फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा एरर, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो मिस हो गई है। अब देखें जैसे मैं इसको सही करूँगा, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, अब ये ऑटोमेटिक सही हो गया। अब यहाँ पे जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो देखें हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इमेज आ चुकी है। अब देखें यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। ऑल्ट का मतलब बेसिकली ये होता है। अब इसकी हम विड्थ और हाइट एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ में मैं एक दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल, और हाइट में भी मैं इसको 200 पिक्सल, यानी कि स्क्वायर हो जाएगी ये, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगी। अब रीलोड करता हूँ यहाँ पे आके तो देखें भाई ये स्क्वायर हो चुकी है, ठीक है। और ये मगर यहाँ से मैंने CSS यहीं पर ऐड कर दी CSS, ये एक बेड प्रैक्टिस है, यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था, बस मेरे को आपको दिखाने के लिए ये करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारी इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे मैं अगर इसको इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँ और इधर पेस्ट करूँ, मैंने इतनी काफ़ी मरतबा पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको रीलोड करूँ तो देखें इतनी सारी हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इमेज को लगाने का, ठीक है। और ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना यार, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।